वाह जेठानी जी वाह, क्या बात है, है? इस बात पे हम ताली मारे हैं। आते ही आपके तेवर देख रहे हैं। हम जूठी थाली में खाना नहीं खाएंगे। हम क्या आपको उल्लू नजर आते हैं जो इतने पालों से हम लोग जूठी थाली में खा रहे हैं? एक बात ध्यान से सुन लीजिए, माँ जी ने एकदम पाप पाप कहा है कि इस घर के सारे नियम पब को मानने पड़ेंगे। हाँ, इसमें कोई आनाकानी नहीं कर सकता। और अगर आपको जूठी थाली में खाना नहीं खाना है तो अच्छा है कि आप भूखी रह जाए। ओ महारानी जेठानी जी, जरा सुनते जाइए। अरे पति की झूठी थाली में खाने पे प्यार बढ़ता है। आप जानती हैं फिफ भाई पाप अपने हाथों पे पार्वती भाभी को खाना खिलाते थे, तभी प्यार इतना था। लेकिन लगता है आपके नसीब में पति की झूठी थाली में खाना लिखा ही नहीं है। अब क्या करें, फूटी किस्मत है। जाइए जाइए जाइए। दुल्हन, तुम सिंदूर नहीं लगाई हो? सिर बेटा, दुल्हन की मांग में सिंदूर भरो। पहली बहू को तो सब लोग पालकी बिठा के मंदिर तक लेके गए थे, और नई बहू देखो पैदल जा रही है। मठाधीश जी सिधार गए ना, अब तो सब कुछ बदल जाएगा। पुनिया भाभी जी, ये वाला छाप पार्वती भाभी जी का है, और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। हाँ, पति को आ जाने दीजिए, वो खाना खा ले, तो उसके बाद आप उनकी झूठी थाली में खाना खा लीजिएगा। ना सुबह कौन जाग गया? ओ, कितनी भूख लग रही है। रसोई 8 बजे के पूजा के बाद खुलता है। Thank you.
जलन और खुजली हो रही है, हमें पता नहीं कब ठीक होगी। क्या फायदा माँ, क्या फायदा? आप ही बताइए, हम इस घर में रहें या ना रहें, किसी कोई फर्क पड़ता है? सुबह सुबह कुछ नहीं सुझाई दिया तुमको, जो शिकायत करने पहुंच गए। शिकायत कैसे ना करें माँ, इस घर में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? पहले बाबूजी अपने अंगूठे के नीचे दबाकर रखते थे हमको, और अब ची भाई साहब आकर हमारे सर पर बैठ गए। अरे हमारी समझ में नहीं आता कि बाबूजी नहीं रहे तो पगड़ी ची भाई साहब को क्यों मिलेगी, हमें क्यों नहीं? अरे क्या हम उनके बेटे नहीं? जो कुछ बाबूजी का था उस पर हमारा भी तो अधिकार होना चाहिए ना, जमीन जायदाद। लेकिन यहाँ तो सब कुछ ची भाई साहब को मिल रहा है, और अब मठाधीश की पदवी भी उन्हीं को मिलेगी। वाह, अरे जिस पगड़ी को पाने के लिए हमने इतने सालों लगा दिए वो शिव भाई साहब को मिलेगी ना? माँ ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए शिव भाई साहब मठाधीश नहीं बन सकते। माँ सौतेले बेटे हैं और हम आपके सगे बेटे हैं, आप हमारे साथ ऐसा अन्याय होते हुए कैसे देख सकती हैं? ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि। अरे भाई पाप, आप वेप क्यों खा रहे हैं? काम पे जाना था, सोचे कि फल खा लें। भाई पाप, फल खाने पे पेट तो नहीं भरेगा, हम आपके लिए पराठा फेंक देते हैं। ना ना, कोई जरूरत नहीं है, हमारा तो हो गया। आप आ गए हैं तो हमारे लिए काम कर दीजिएगा। जरूर, आप हुक्म कीजिए। ये लेप बनाए थे हम गंगा के लिए, उनसे कहिएगा कि हाथ पर लगा ले, आराम मिलेगा। जरूर, बहुत बुरा हुआ उनके साथ, कहाँ पे चीटियां घुफाई। और चले चलते हैं जी, यहाँ से दे दीजिएगा उनको आराम। और वो ना चढ़ी गंगा को हमारे होते हुए। अरे बाप रे, हम झुमकी को ये बताना तो भूल ही गए कि गंगा को बोल दे कि लेप सिर्फ 20 मिनट ही लगाना है, उससे ज्यादा लगाकर रखना ठीक नहीं होगा। वही बोलकर आते हैं। झुमकी इस परिवार में हर किसी को तुम्हारा हाथ का बना खाना बहुत ही पसंद आएगा। इनका खाना ना बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा, फिर ना इन्हें प्यार भी नहीं करेगा कोई, पापा तो बिल्कुल भी नहीं। ये पुलाव जैसे वो खाएंगे ना खूब मिर्ची लगेगी उन्हें, उसके बाद दादी जी और पापा से खूब डांट पड़ेगी नई दुल्हन को।